अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नांगलोई में करवा चौथ के दिन लव जिहाद में मर्डर का जो मामला सामने आया, एक 19 साल की युवती की हत्या उसके प्रेमी ने की है। आरोपी ने अपना नाम संजू बताया था, लेकिन उसका असली नाम सलीम था। जानकारी के मुताबिक युवती 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपने प्रेमी से शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन संजू पिछले 2 महीनों से शादी की बात को टाल रहा था। करवा चौथ के दिन संजू अपने 2 साथियों के साथ युवती को लेने उसके घर पहुंचा था। उसे रोहतक के खेत में ले जाकर मार डाला गया, वहीं दफन कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी संजू उर्फ सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर युवती का शव रोहतक से बरामद कर लिया गया। तो आरोपी संजू उर्फ सलीम गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के नागलोई में एक 19 साल की लड़की को मार के रोहतक में दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले तो मैं नागलोई में हूँ, उस लड़की के घर में, ये देखिए तस्वीरें, ये सोनी का घर है जिसे मारकर रोहतक में उसके प्रेमी और 2 साथियों ने दफन कर दिया था। मामला करवा चौथ के दिन का है, जिस दिन सोनी अपने घर से अपने परिवार वालों को बताकर निकली कि वो अपने दोस्त के साथ बाहर जा रही है, जिसके बाद उसने ये भी बोला कि वो सुबह लौट जाएगी। लेकिन जब वो नहीं लौटी तो उसकी माँ और छोटी बहन ने लगातार सोनी के फ़ोन पर फ़ोन किया, और जब कॉल नहीं मिला तो परिवार पुलिस के पास पहुँचा और जानकारी दी कि हमारी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही। पर परिवार का ये आरोप है कि पुलिस ने पहली बार में उनकी बात नहीं सुनी, ना ही कोई FIR दर्ज किया, जिसके बाद सोनी का बड़ा भाई जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने मामले को वहां पर रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने फिर आगे मामले की छानबीन शुरू की। मामला कुछ ऐसा है कि सोनी संजू नाम के एक लड़के के साथ प्यार करती थी, ऐसा परिवार का कहना है, लेकिन परिवार वालों को ये नहीं पता था कि संजू दरअसल सलीम है। सलीम अपना नाम धर्म बदल कर सोनी से बात करता था, खुद को सलीम बताकर बात करता था, लेकिन दरअसल में वो उसका असली नाम सलीम था। सलीम सोनी को घर से लेकर निकला करवा चौथ के दिन, और यहाँ से ले जाकर रोहतक में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसे रोहतक के खेत में दफन कर दिया, जिसके बाद पुलिस को संजू गिरफ्तार हो चुका है, संजू के साथ उसका एक साथी भी गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, जिसके बाद उनकी मदद से सोनी की जो लाश है उसको बाहर निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम कर लिया गया, और आज किसी भी वक्त जो सोनी की लाश है वो उनके परिवार वालों के पास पहुँच जाएगी। फिलहाल परिवार का कहना है कि हम केवल ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, संजू को भी बराबर सज़ा मिले, या तो उसे फांसी मिले या तो हमारी बेटी की लाश के साथ उसे दफना दिया जाए, जला दिया जाए, क्योंकि उसने झूठ बोलकर प्यार किया। और एक और जानकारी इसमें ये भी आई है कि सोनी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद सोनी शादी करना चाहती थी संजू से और लगातार दबाव बना रही थी, और संजू बात को टाल रहा था, बात को आगे बढ़ा रहा था, ये जानकारी हमें परिवार से मिली है। संजू शादी नहीं करना चाहता था, जिसके बाद जब संजू ने लगातार सोनी की तरफ से दबाव बनाया गया, जिसके बाद संजू से घर से लेकर निकला और आगे उसको मार के रोहतक के खेत में दफना दिया। पुलिस तीसरे साथी को पकड़ने में जुड़ी है और आगे मामले की छानबीन की जा रही है। मृतक लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जब वो बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वालों ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की की हत्या की गई, जहां पर सलीम संजू बनकर पहले उसे दोस्ती करता है और बाद में अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है। फिर लड़की के पिताजी हमारे साथ हैं। क्या आपको पता था कि संजू सलीम है या ऐसे उसकी दोस्ती है कुछ? मेरा कुछ पता नहीं था, मेरा इस चीज के मामला में कुछ पता ही नहीं, मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा। तो आपकी बेटी की दोस्ती थी किसी से, ऐसा कुछ जानकारी? दोस्ती थे जब ही तो इसे कांड हुआ है ना। तो आपको कब पता चला कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है? या पता चला कि मेरे आधार कार्ड पकड़ाया, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसकी मम्मी के आधार कार्ड, पैन कार्ड उन्हें जेब में ले करके घूम रहा था, तो पश्चिम बिहार के पुलिस वाले ने पकड़े, उन्हें फ़ोन किए, फिर वो पकड़ के रखे, फिर उसको हमारे लड़का ने जा करके इस थाना में लाया है, इस थाना में से ला करके फिर उसको खोजने गया है, खोजते खोजते कल इसको मिला कहाँ, इसार में उसको दबा रखा था, फिर उसी लड़का से ये पुलिस वाले जो है निकाल नहीं सकता, फिर हरियाणा के पुलिस वाले बुलाए, फिर मेरे मिल गया था, फिर जो है ना उसको निकलवाए, तो उसी लड़का से निकलवाए, फिर अभी तक वो रोहतक में है, अब जा रहा हूँ बॉडी को लाने के लिए। अभी बॉडी आई नहीं? अभी बॉडी नहीं आई, अभी बॉडी लाने जा रहा हूँ। बेटी जब गायब हुई तो आपने कोई कंप्लेन वगैरह लिखवाई थी? कंप्लेन मेरे घर वाले गया था, पुलिस वाले नहीं सुना। सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ, मेघा उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी सहयोगी, जिन्होंने परिवार के लोगों से भी बातचीत की है, पुलिस से भी बातचीत की है। मेघा, कुल मिलाकर एक जो बड़ी बात नजर आती है कि इस शख्स ने पहले तो अपनी धार्मिक पहचान छिपाई, भरोसे का कत्ल भी है ये,
दोस्ती की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी इसने। कुछ और पता चल पा रहा है इस बारे में? देखिए अखिलेश, सोनी लंबे समय से संजू उर्फ सलीम के साथ थी। सलीम ने अपना नाम नहीं छुपाया, सोनी के साथ सारे त्यौहार यानी कि होली दिवाली मनाता था और करवा चौथ यानी कि 3 दिन पहले वो उसको उसके घर से लेकर निकला और कहा कि अब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। साथ में संजू के 2 दोस्त भी थे, जिसके बाद रोहतक ले जाकर पहले सोनी का कत्ल किया और उसके बाद उसको वहीं के खेत में दफना दिया। जानकारी के अनुसार सोनी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और सोनी के परिवार वाले शादी के लिए सामान जुटा रहे थे, बर्तन चाहे जो भी ज़रूरी सामान शादी में दिए जाते हैं उसको लेकर उनके घर में तैयारियाँ चल रही थी और सोनी ने कहा था कि वो अगले दिन मिलकर बातचीत करके शादी कब करना है क्या करना है तय करके अगले दिन वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो नहीं लौटी तो माँ और बेटी सोनी की छोटी बहन ने लगातार बातचीत की कोशिश की, नहीं पता चला, जिसके बाद पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामले को पहले तो नहीं तवज्जो दिया, दर्ज नहीं किया, जिसके बाद जब दोबारा भाई पहुंचा तो मामले की छानबीन हुई और फिलहाल संजू उर्फ सलीम गिरफ्तार हो चुका है। उसके साथ उसके 2 साथी थे पंकज, जिसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी। 3रे साथी की फिलहाल छानबीन जारी है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोनी की जो लाश है वो रोहतक के खेत से निकाल ली गई है, पोस्टमार्टम हो चुका है और आज किसी भी वक्त जो शव है वो घर पहुंच सकता है। परिवार का कहना है कि संजू अपना नाम परिवार को भूत बताता था, ये सोनी की मां ने क्लियरली बताया है कि वो कहता था मैं भूत हूँ भूत हूँ, और ऐसे उसका नाम संजू उसने सोनी को बता रखा था और सलीम उसका असली नाम था। संजू का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें भी उसका नाम जो है संजू मलिक लिखा हुआ है, उसने अपना असल नाम कहीं नहीं डाला। हाथ में कड़ा पहनता था, माथे पे तिलक टीका होता था और वो सारे त्यौहार सोनी के साथ बाकायदा मनाने के लिए, सबकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे सोनी ने शेयर की, वो बाकायदा मनाने के लिए उसके घर पे आता था, जिससे साफ पता चलता है अखिलेश कि उसने अपनी धार्मिक पहचान छुपा रखी थी। वो दूसरे नाम से ना सिर्फ सोनी से मिला, उसके साथ प्यार किया, उसके साथ रिश्ता बनाया, जिसके बाद सोनी प्रेग्नेंट भी थी और शादी के लगातार दबाव बनाने के बाद वो सोनी को घर से लेकर निकलता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। फिलहाल पुलिस 3रे साथी को ढूंढ रही है और मामले की। बड़ा सवाल ये कि क्या ये लव जिहाद का मामला है? मेघा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।